सडन प्लान्स. अभी बज रहे हैं कितने, 11 बजने वाले हैं. हाँ, 11:15. एंड 12 बजे मैं जयपुर के लिए निकलना है. ओके, मतलब देर हैव लाइक ये प्लान नहीं है, बिल्कुल भी प्लान नहीं है. लिटरली 15 मिनट पहले वरुण ने बोला है हमें जयपुर जाना है आज शाम को एक शादी में. सो लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड विच वॉज कि आज एक शादी में हमें जाना था. एनी वेज हम नहीं जा रहे थे, पापा और वरुण जा रहे थे. बट कल वरुण का एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था, तो उस वजह से हो रहा था जाए नहीं जाए जाए नहीं जाए. तो इन लोग का शायद काइंड ऑफ कैंसिल ही हो गया था जाना. बट देन क्या हुआ, कल जो वरुण का बहुत ज़रूरी काम था वो हो गया कैंसिल. वो अब हो नहीं रहा. तो वरुण इज़ फ्री एंड ही कैन गो टुडे टू जयपुर. बट पापा की थोड़ी सी तबीयत ढीली है क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है, पोल्यूशन है, वायरल फैला हुआ है. तो पापा से लाइक मैं नहीं जा सकता, तुम लोग चले जाओ. तो अब रैंडमली मेरा, वरुण का और बच्चों का प्लान बन गया जयपुर जाने का. एंड आई एम जस्ट रशिंग एंड पैकिंग एंड लाइक ठीक है चलो जयपुर जाना है, कैजुअल क्लोथ रख लो ठीक है, बट देन एक शादी पे अटेंड करनी है. एंड शादी इज़ ऑल्सो लाइक अ फैमिली फ्रेंड, इट्स नॉट लाइक कि क्लोज रिलेटिव की शादी और एनीथिंग. तो बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है. तो आई एम सॉरी अगर मैं आज है मंडे, सो आई एम सॉरी अगर मैं मंडे एंड ट्यूजडे को व्लॉग्स नहीं आपको प्रोवाइड कर पाई थी. दिस वॉज द रीज़न, ये हो गया. मैं अभी भी कोशिश कर रही हूँ कि जाने से पहले किसी तरह मैं एडिट करके व्लॉग अपलोड करके जाऊँ आज का एटलीस्ट, ताकि सिर्फ एक ही दिन आप लोगों का मिस हो. बट मुझे लग नहीं रहा है कि वो हो पाएगा. सो आई एम सॉरी एंड आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड. अब आई एम गोइंग टू रश क्योंकि टाइम नहीं है. ये मैंने निकाले अभी कपड़े, अभी मैं फिगर आउट कर रही हूँ मुझे क्या क्या चाहिए होगा. ये शादी में पहनूंगी, ये नेक्स्ट डे हम वापस आने में घूमने में थोड़ा सा घूमेंगे, ये अभी जाते समय पहनूंगी. शानवी की तो पाइल है क्योंकि ऑब्वियसली छोटे बच्चों को ज़्यादा कपड़े चाहिए होता है. आर्यवीर का भी अभी करना है एंड वरुण को भी अपना करना है. आर्यवीर दादू बुला रहे हैं आपको. अरे ग्रेट सरप्राइज, किसी दो जयपुर जाने का प्रोग्राम तेरा बना दिया. हाँ, शानवी ने आपकी कैप पहनी हुई है पुरानी वाली. अभी जा रहे हैं. हाँ अभी जा रहे हैं, नाओ पर चलते. अभी तैयारी करो जाने की. सिर्फ नाओ. हाँ चलते हैं. हाँ मैं जा रही हूँ नहाने. क्या कपड़े चेंज कर लो? नहीं नहाना तो पड़ेगा. मम्मा मेरे कपड़े निकाल लो क्या करूं? अच्छा ओके. ये दोनों अल्फाबेट है ना. ठीक है शानवी, मम्मा शानवी का मास्क मैकिंग. वी आर ऑन आवर वे. अब हो रहे हैं, टाइम तो काफी हो गया. मैं आपसे कहता हूं हम लोग 11-12 बजे तक निकलने की कोशिश करेंगे. 2:45 हो रहे हैं. बट उससे पहले नहीं निकला जाता, इतनी सारी पैकिंग, दोनों बच्चों की, हमारी शादी में जा रहे हैं उसकी. तो वैसे भी एकदम से प्लान बना था ना, तो मुझे ऑफिस के काम भी तो कुछ सेटल करके जाना. ऑफिस के काम भी कर लेते मेरे ऑफिस. हाँ आपको भी अपने ऑफिस के काम सेटल करने थे भैया को, अपने स्कूल के काम सेटल करने थे. तो बस निकल पड़े हैं हम, रियली एक्साइटेड. और एक और बड़ी एक्साइटिंग चीज व्हिच इज कि वेंसडे को हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भी है. तो अभी देखते जाओ वही ट्रिप क्या बनती है, हमें खुद भी नहीं पता. हम बस निकल पड़े हैं. ये पता है आज शाम को एक शादी में जाना है, उसके अलावा हमें भी कुछ नहीं पता क्या होने वाला है. आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी पूरे रास्ते कि हम क्या क्या कर रहे हैं. सो लाइक रियली एक्साइटिंग कि एकदम से ये प्लान बन गया है. बाकी अब रिसर्च कर रही हूँ क्या क्या हम घूम सकते हैं, क्योंकि जयपुर हम ऑलरेडी काफ़ी घूमे हुए हैं. हम जहाँ रह रहे हो आमेर फोर्ट के पास है. आमेर फोर्ट के पास है तो आमेर में घूमना तो है ही एक पॉइंट 100%. बाकी आपको दो बड़ी अच्छी जगह लेके जाएंगे इस पूरी जर्नी पे. सो स्टे ट्यून्ड. क्या खाना? हमें पूछ रहे खाना भी मिलेगा. हाँ बेटा खाना भी मिलेगा. मम्मी ये दो इंटरेस्टिंग चीजें और मैं भी पता है मुझे. पता है आपको फोर्ट और मेरा फार्म? अरे भी कफा अभी पता चलेगा आपको आगे आगे व्लॉग में. किया
गाड़ी में हो प्रेशर, इस वाली गाड़ी में ना वार्निंग आ जाती है जब एयर प्रेशर गड़बड़ होता है, तो एयर प्रेशर हाई हो गया था एक टायर का, उसमें वो भी पा गया था कि कौन से वाले टायर का एयर प्रेशर हाई हो गया, बिकॉज ऑब्वियसली गाड़ी बहुत देर से चल रही है और हमने बिल्कुल कुछ भी स्टॉप नहीं किया। ईशान भी सो गई थी, दोनों बच्चों के लंच में पैक करके आई थी, मुझे और ज्यादा भूख नहीं लग रही थी, वी वर लाइक नॉन स्टॉप। और मैंने अपना, मुझे तो इतना भूख भी नहीं लग रहा था, मैंने अपना पूरा टिफिन भी नहीं फिच किया, दोनों चीजें। तो मैंने ऐप पे चेक किया कि नेक्स्ट वाला मैप पे चेक किया कि नेक्स्ट पेट्रोल पंप कहाँ है, वो मुश्किल से 2 मिनट ही दूर था, हम आए हमने चेक करा लिया। टेक्नोलॉजी का ये तो बहुत बड़ा फायदा है ना, वरना पता ही नहीं चलता ऐसे कैसे पता चलता हमें। एक ऐसा गाना बन के सर कॉपीराइट। अच्छा इसमें टायरट्रॉनिक्स में जाओ, ये पहला फ्यूल इन्फो है, उसमें तो पूरा वो दिखा रहा कितना अभी चल सकती है, माइलेज दिखाता है, टायरट्रॉनिक्स में सारे प्रेशर दिखाता है। चलो ओके ओके ओके, इस वाले में गड़बड़ थी, ये भी ओके, स्टेपनी भी ओके, स्टेपनी भी ओके। अच्छा स्टेपनी का भी आता है इसमें, शूज पहना तो उठ गई है, उठते ही इसकी डिमांड शुरू हो गए हैं, अब भी उठी है 2 सेकंड पहले, उठते ही शूज पहना दो बेटा अभी। मैंने रख, नहीं नहीं रूम में लगा बेटा, पापा रूम का पता करने गया। कितना सुंदर गेट है, नहीं फाउंटेन देख के मत आप, यहीं रहो, गीले हो जाओगे आप। पापा ला रहे हैं टेची, बाबा ला रहे हैं पापा। मम्मा बहुत फनी है कुछ, क्या फनी है बेटा? तो फाउंटेन है ना, हाँ जो वो है ना पानी, वो कहाँ चल रहा है, ये कहाँ जा रही है? ईशानवी, ईशानु, ईशानवी इधर आओ, कहाँ जा रहे हो आप? आप आप क्योंकि पापा आ गए। ईशानवी, ईशानु पापा के वास्ते, ईशानवी और मम्मा लिफ्ट में, पापा और भैया लगेज के साथ पहले चले गए थे। I love the decor, इतना सुंदर है ये, बाहर से लगा था ए होगा बट लाइक द डेकोर इज वाओ। चले चलो पापा, हमें जाना है 502 में, दूसरी नहीं इधर देखो, वो रे भैया और पापा कहाँ है, वो रे सोफे बड़े सही। चलो शानवी अंदर, अरे वाह, अरे वाह बड़ा सही है, अरे भी इसलिए तो वो कितना सही बेड है, जरूरत ही नहीं एक्स्ट्रा बेड की, सॉफ्ट देखना भैया सॉफ्ट है ना, बेड नया लग रहा है बाथरूम आपको, ये शार वो है, कम शार कैसे चलता है कल सुबह बताऊंगी आपको कैसे चलता है। ये कुर्सी है, बैठने के लिए बैठ जाओ, बड़ी वाली है, हैप्पी हो गए आप, बड़ा अच्छा कमरा है, वो भी खोलो, मतलब अब वरुण आराम से सोएंगे और मैं और ईशानु चिपक के सोने वाले हैं, उनका सिंगल बेड वाला नहीं था, सिंगल बेड वाला नहीं था, उनके पास टोटल 10 रूम्स बुक हैं, उसमें सबसे पहले हम आया था 500 वाला में, उनसे पूछ लो कंबाइन वाला मिल जाए, क्योंकि शानवी को सोने लाने में दिक्कत आएगी, आप वहीं पे सो रहे हो,
क्योंकि हम नए बेड जोड़ ले, अब ईशान भी और मैं 10 हो जाएंगे, वरुण 10 हो जाएंगे, क्योंकि गिरेगी तो एटलीस्ट नीचे नहीं गिरेगी ना, मतलब वरुण साइड ही रोल ओवर होगी। एंड आर्य वीर उसमें सोने के लिए कह रहा है, उसके लिए तो बहुत बड़ा है, आराम से सो जाएगा इसमें तो। हैप्पी हो गया देखना कितना भाई, इसमें तो मैं भी फिट आई थी, हम तो वेट कर रहे थे, मैं और ईशान भी सो सकते हैं। ये मेरा बेड था ओरिजिनली, मुझे उधर किक कर दिया गया। सोच सो सकते हो तो सो जाओ ऐसे, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो फैल के सोऊंगी वहां बहुत जगह है। टीवी चला रही हूँ, चला रही हूँ। निकल गए हैं शादी के लिए, पर उनका कोट रह गया था घर पे, बट मेरे हिसाब से तो अभी भी अच्छे लग रहे हैं। शर्ट काफी अच्छी है, फैंसी वाली शर्ट है आपकी, कोई और शर्ट होती तो लगता कि हाँ लाइक नॉर्मल कपड़े, बट लाइक ये अच्छी वाली। आपने तो बड़े अच्छे पहने, बच्चों को मैंने मतलब ढंग कैजुअली किया है, लाइक अच्छा गुड स्मार्ट कैजुअल बेसिकली ड्रेस किया है, क्योंकि ठंड है एंड लाइक ऐसे क्लोज रिलेटिव शादी टाइम नहीं है, फैमिली फ्रेंड की है, वो भी पापा जी के फ्रेंड की बेटे की शादी है, तो लाइक ऐसे क्लोज रिलेशन नहीं है, बट वैसे जाना पड़ता है सोशल सर्कल में स्टफ। तो क्या सन ग्लासेस नहीं देना बेटा, सन है, सन ग्लासेस तब पहनूंगा जब सन है। बस चलो यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है, 10-15 मिनट का। जी होटल तो देखो इसके सामने ही दिखा रहा हूँ। नहीं बेटा सनसेट अगर ब्लून है तो रास्ते से ही आ जाता हूँ। अच्छा ज्यादा दूर है नहीं, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है तो मैं दिख नहीं रही। चलो शादी में पहुंच के आपको शादी दिखाती हूँ, शादी अच्छी होगी क्योंकि जो वेन्यू है, वेन्यू का नाम पता है क्या बेटा? पराठा, अभी पराठा नहीं है मम्मा के पास, अभी हम शादी का खाना खाएंगे। जयबाग पैलेस जा रहे हैं एंड रिव्यूज देखे हमने, लाइक फोटोज देखे तो बड़ा सुंदर है, तो आप लोगों को चल के दिखाते हैं कि कैसी शादी रहेगी जयपुर की। राज्यपाल आए हुए शादी में तो सारा ट्रैफिक रोका हुआ है अभी। ये नहीं है राज्यपाल, ये नहीं था, पुलिस की गाड़ी से गई थी, हमें लगा वही होंगे। एक ही गाड़ी, एक पहले गई, एक अब आई लाल बत्ती वाली, अब तो एक क्रेन आ रही है टो करने वाली। पूरा हाईवे रोक दिया, पूरा हाईवे रुका है, थैंकफुली हम आ गए तो हमें पता है, वरना हमें लग रहा होता पता नहीं क्या हो रहा है। इंडिया में होता है नहीं, बाहर भी होता है, जो लोग बाहर रहते हैं क्या ऐसा होता है वहाँ पे भी कि लाइक वीआईपी आ रहे हैं तो रोड रोक दी गई है। वो जाए फिर हम जाए, और ये एक ही साइड की रोड है तो लाइक जब तक वो नहीं जाते हम नहीं जा सकते। अब होपफुली आ गए, अब ज्यादा गाड़ियां आ रही है, अब भी दो गाड़ी, अभी भी गवर्नर की गाड़ी नहीं आई। अरे अब आ रही, आ रही, आ रही। एक और गाड़ी आ रही है, इसके पीछे ये ब्लैक वाली आ रही है, देखो इसमें अशोक का एम्बलम बना हुआ है, देखो आगे इसमें जा रहे हैं गवर्नर, अशोक का एम्बलम बना हुआ ना देखो कार के पीछे आ रही है, वो ब्लैक वाली थी गवर्नर की कार, वो उनको मुड़ना था तभी वहाँ पे जाके गाड़ियाँ खड़ी हो रही थी, मुड़ के इधर से भी निकलेंगे साइड से हमारे। ओ कितनी सारी है, हाँ एम्बुलेंस भी है जैसे आप कह रहे थे, फायर ब्रिगेड भी चलती है इनके साथ, फायर ब्रिगेड भी साथ चलती है। ये समझ ये मुझे नहीं पता था, दो फायर ब्रिगेड है एक विनाश, वो एम्बुलेंस है बेटा। तो करेंगे भाई,
डेजर्ट्स कुछ डिफरेंट है क्या खा रहे हो? अखरोट का हलवा और ये देखो ये कुछ ऑरेंज की बर्फी है। अखरोट का हलवा खाना? तुम ट्राई करोगे अखरोट का हलवा? बहुत ज्यादा ही यम्मी है। घी का टेस्ट आया बहुत। तो घी तो है ही। बहुत ज्यादा गंदा टेस्ट गंदा टेस्ट आया बहुत गंदा टेस्ट आया। बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी रात को तो हमने तो बस खाना वाना खाया और वहां से निकल लिए। वहाँ का आने जाने का रास्ता बड़ा अच्छा था, वरुण को बड़ा मजा आ रहा था, कह रहे थे बड़ा एडवेंचरस रास्ता लग रहा है, बिल्कुल अंधेरा और सब तरफ ऐसे जंगल जंगल सा और पहाड़ी। तो ये सिक्स फ्लोर हॉस्पिटल हम जब घुस रहे थे तो दूसरी शादी, तो दूसरी वाली में शादी की ब्राइड थी और ये वो वाली शादी हमारे वहाँ होटल में हो रही है और वहाँ पे डीजे भी है और जब शादी में हम गए थे डीजे नहीं था तो मेरा वरुण को थोड़ा मन कर रहा था जाके थोड़े डीजे पे डांस कर रहे थे बट बच्चे ने मना कर दिया। चल रहे डीजे वाली शादी पे चलो देख क्या रुको, अभी तो हम इनके सेवन फ्लोर पे ना इनका इन्फिनिटी पूल देखने आए हैं, खुला है तो मटर कश्ती कर रहे हैं। अरे धीरे से खोल के देखना वो खुला हुआ है, चलो आप पहचान में देख रहे हो ऐसे कह रही इसको पता भी नहीं क्या करती। ओ वाओ एक्चुअली वही तो बड़ा कूल है। दूसरी साइड होगा यहाँ ठंड क्यों नहीं है? सुबह की कॉफी यहाँ से तो शादी भी दिखेगी, थोड़ा डीजे तो चला ले यही डांस कर लेते हैं। मैं तो डांस करने का मन कर रहा है यारो। पूरी शादी दिख रही है यहाँ से, ध्यान से थॉन जा रही वीर ये साड़ियाँ टक गई थी। चल तो बोलो ब्राइड के लिए आ रहा है ठमडम। चलो मैं इसको देख रहा हूँ तो मैं उधर देख लो। हाँ क्या कुछ नहीं सुनाई दे रहा मुझे। हाँ बहुत सारी चीजें ना करने है ठमडम, डांसी करनी है ठमडम पे जाके। हाँ नहीं अरे बड़ा मजा आएगा। एक ही फ्लोर नीचे है बेटू नहीं दिख रही शादी। ओए होए मम्मा को तो बल्ले बल्ले करने का मन कर रहा है। इधर नहीं है शादी, दूसरी साइड है, उस साइड है, देख नहीं पाएंगे हमारा। रेडी आप सोने के लिए बस हम भी आ रहे हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग गाइस। आज का दिन बहुत ही अनयूजुअल था, शुरू बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन से नहीं हुआ था कि हम किसी और सिटी में होंगे बाय द एंड ऑफ द डे। कल हम जाएंगे घूमगों, आपको साथ में लेके जाएंगे। शादी में सो सो मजा आया, ठीक थी। आई डोंट नो यार, लाइक दिल्ली की शादियां तो शायद थोड़ी ज्यादा ही एक्स्ट्रा वेकेंट होती है तो लाइक नॉर्मल शादियों में हमें मजा नहीं आता, प्लस डीजे वीजे नहीं था। मेरा तो बड़ा मन था, बगल में हमारे होटल की शादी हो रही है उसमें डीजे चल रहा था, उस पर डांस करने का डायरे भी थक गया था। कल हो गया एक हेक्टिक डे क्योंकि हम लाइक आमेर फोर्ट एंड ऑल जा रहे हैं। तो आई सी यू गाइज इन टुमारोज़ व्लॉग। अब हम बच्चों को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं तो बाय।